डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। चमकी बुखार या फिर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें बड़ी संख्या में बिहार में बच्चों की मौत होती है। एक ओर तो इससे बच्चों की जान जाती है, दूसरी ओर इस पर सियासत भी खूब होती है, और तीसरी बात ये कि इस बीमारी को लेकर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पिछले कई सालों से सवाल भी उठते रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। चमकी बुखार क्या होता है ये बताने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये चमकी बुखार है क्या। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम में तीन वर्ड है, एक्यूट, इंसेफ्लाइटिस और सिंड्रोम। एक्यूट का मतलब होता है कोई बीमारी का अचानक होना, और इंसेफ्लाइटिस का सीधा वास्ता हमारे मस्तिष्क ब्रेन से है, और सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारा साइन एंड सिम्टम, बहुत सारे लक्षण जो कि किसी बीमारी में होता है और एक दूसरे से लिंक्ड होता है। और यही तीन बात अगर हम समझ रहे हैं तो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को हम समझ। चलिए अब जान लेते हैं कि चमकी बुखार के लक्षण क्या कुछ है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से जो बच्चे संक्रमित होते हैं उसको पहचानेंगे कैसे, तो ज्यादातर ये बीमारी बच्चों में होता है, 15 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। बच्चे को हाई ग्रेड फीवर होता है, फिट्स आता है, चमकी आता है, इसीलिए इस फीवर का नाम ही है चमकी बुखार। और तीसरा, अगर आप उसके गर्दन को एग्जामिन करेंगे तो ये काफ़ी स्टिफ हो जाता है। बच्चे की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, कंफ्यूज रहता है बच्चा, डिसओरिएंटेड रहता है, और अगर उसका शुगर लेवल देखेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया रहता है। यही वजह है कि सारे बच्चे को हम लोग रिकमेंड करते हैं कि रात में सोने से पहले उसको आप प्रॉपर डाइट दें ताकि बच्चे कम से कम संक्रमित हो। इस बीमारी को अच्छे से समझने के बाद ये जानना जरूरी हो गया है कि इससे बचने का उपाय क्या है। इससे बचने के लिए हमें मॉस्किटो बाइट को रोकने का हर प्रयास करना चाहिए, जैसे कि मॉस्किटो नेट लगाएं, रिपेलेंट यूज करें, फुल स्लीप बच्चे को पहनाएं, शाम के टाइम बाहर आउटडोर गेम खेलने के लिए मना करें, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे को रात में भूखा ना रहने दें, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड में शुगर की जिस बच्चे को कमी होती है वो बच्चे ज़्यादा संक्रमित होते हैं इंसेफ्लाइटिस से। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, इसके लिए वैक्सीन भी दी जाती है, यानी कि मिजल्स जो 9 महीने में दी जाती है उस वक्त पहला डोज आप दिला सकते हैं, और 16 से 24 महीने के टाइम में जो डीपीटी की वैक्सीन दी जाती है उस वक्त इसका दूसरा बूस्टर डोज दिलवानी चाहिए। और इसके अलावा हमारे सैनिटेशन आपके घर के आसपास जो है वो अच्छा होनी चाहिए, और प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर वो साफ होना चाहिए, साफ सुथरा पे ध्यान देना चाहिए ताकि मॉस्किटो कम घर के आसपास पनपे। यही दो चार बात है जिसका अगर हम पालन करें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। बिहार की खबरों के साथ साथ कई रोचक जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, इसलिए बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।